कोरिया जा सक रहे, मैंने ऐसा सुना है स्टूडेंट वीजा पे। मैंने चले जी, आप लोगों ने जो है काफ्तान में मेरी ओवर लुक देख ली और मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि ये काफ्तान कैसा लग रहा है, मैं पहन के जाऊँ कि नहीं। यहाँ पे सबीका की जो है ओवर लुक देख लीजिए और काफ्तान में वो कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम अवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू पिसार व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूं मारिया सैयद। तो जनाब, क्या हाल है, क्या अहवाल है और आप लोग कैसे हैं? और आज की मॉर्निंग में जो है वो अर्ली मॉर्निंग हो गई है, सुबह सुबह हो गई है। सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं और मैं जो हूँ, मैंने ब्रश वगैरह करके देखिए, मैं फ्रेश हो गई, मैं काफ़ी फ्रेश सा फील कर रही हूँ। चले फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ममा जो है एक काम पर लग चुकी हैं और वो वाला काम भी आपको जो है ममा का जो है दिखाते हैं। आज यहाँ बहुत खूबसूरत सुबह हुई है और सुबह के जो 9 बज रहे हैं और यहाँ मम्मा जो है अपनी ईद वाली ड्रेस, जो कि मम्मा ने ईद में स्टिच नहीं की थी, वो जो है यहाँ पे स्टिच, यहाँ पे जो है मम्मा इसको स्टिच करेंगे। देखिए इतना खूबसूरत गला बना हुआ है और भी फिटिंग के जो है मम्मा का अपनी नाप का जो है निकाल दी, इसके नाप से जो है ये सिलेगा। ये देखिए बैक पे इसके इस तरीके से। चलिए फिर इसको जो है जल्दी स्टिच मम्मा करती है, तो अगर आज कर लिया तो आपको फिर दिखाते हैं। आप लोगों ने देख लिया मम्मा यहाँ पे अपनी ड्रेस जो है वो स्टिच कर रही है। तो सुबह की बस इतनी सी ही क्लिप मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और अब जो है आपसे मिलते हैं शाम में। यहाँ पे जो है शाम हो चुकी है और अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ चिकन। और सबसे पहले मैं यहाँ पे, मतलब मैं सबकी बातों में बातें करती हूँ, लेकिन जब जाहिर बात है जिन्हें बहुत मतलब मेरी बातों से जो है तकलीफ़ पहुँची है, तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मेरी वजह से जो है अब वो तकलीफ पहुँची, तो उनकी तकलीफ़ दूर करना मेरा फ़र्ज़ है। तो भाई यहाँ पर मुझे कहना था कि एवर ग्रीन प्रॉपर्टीज़, ना ही मैंने कभी जो है चिकन को 800 रुपये होते देखा है अपने एरिया में। बस बहुत गई है तो 730 तक गई है, 750 तक गई है, जो कि मैंने दिखाई है। और ना ही जो है मेरे एरिया में मैंने ये चिकन क्यों नहीं निकल रही है, सभी का आइए और चिकन निकालिए। और ना ही मैंने कभी निकल गई और ये वाला चिकन, और ना ही मैंने कभी किसी यहाँ पे ऐसी कोई बात ना ही सुनी है, ना ही सोशल मीडिया पे, मतलब कि कोई ऐसा ऑथेंटिक पोस्ट वाली चिकन, ना ही मैंने कोई ऐसा ऑथेंटिक पोस्ट पढ़ा है कि चिकन की जो है स्ट्राइक चल रही है, चिकन की जो है आवाम स्ट्राइक कर रही है इस तरह। हाँ, अगर आपने इस तरह का कोई पोस्ट पढ़ा है या आपकी नज़र से इस तरह की कोई भी चीज़ गुजरी है, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपके पास है, आपके नाम भी आपके पास है, फेसबुक का लिंक आपके पास है, आपके पास है टिकटॉक का लिंक और नाम आपके पास है, आप मुझे वो ऑथेंटिक पोस्ट जो है उस पर शेयर कर दें, ताकि मैं भी कम्यूनिटी पर लगा के अपनी जो मेरी ऑडियंस है मैं उन्हें बता सकूँ भाई चिकन की जो है स्ट्राइक चल रही है, तो सारे जो है चिकन खाना बंद कर दो, टैप टैप टैप। ठीक है, तो इतना मतलब मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं रही है जिसका जिक्र मैं अपने चैनल पे आके करूं। चिकन महंगी है ये अलग बात है, लेकिन बीच में जो है चिकन के बारे में एक र्यूमर उड़ाया गया कि चिकन जो है बीमार हो गई है, ये वो, जिसकी वजह से चिकन की प्राइस जो है कल थोड़ी डाउन हो गई थी। इसके कल जो है चिकन हम लोग मम्मा कल हम लोग कितने की लाए चिकन, कल हम कितने की लेके आए, 600 कुछ की थी, 670 सुन लिया। तो इतने की कल हम चिकन लेकर आए हैं और बस ये बात। और अगर कोई भी ऑथेंटिक ऐसा पोस्ट आपके पास है जो कि पब्लिक की तरफ से शेयर हुआ कि भाई हम चिकन का जो है बायकॉट कर रहे हैं और ये फाइनल हो चुका है, जैसे कि फ्रूट के बारे में होता रहता था पहले और हम करते भी थे हम बायकॉट, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें तो मैं करूँगी। और अभी जो है मैं चल रही हूँ रात का खाना बनाने। बाल वगैरह जो है मैंने अच्छी तरीके से जो है बांध लिए हैं, सारे इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने निकाल लिए हैं सालन बनाने के। चलिए फिर किचन में चलते हैं, सालन बनाते हैं। सालन ब्यूटी ऑफिशियल, थैंक यू सो मच, तुमने कॉन्ग्रेट्स किया। और दिव्या सरोज, थैंक यू सो मच, लव यू। अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ग्रेट्स। आप वीडियो देखते हैं, कॉमेंट करते हैं, बहुत बहुत आप सबका जो है बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चले जी, अभी जो है कॉमेंट आप लोगों से बातें तो चलती रहेगी, जल्दी जल्दी सालन बनाते हैं। चिकन जो है वो मैंने चढ़ा दी है, लाइट जो है एज यूजुअल चली गई है, वो है ही नहीं है, टैप टैप टैप, बस एक लाइट काफ़ी है। और मुझे जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो इस वक्त जो है खीरे से ज़्यादा जो है कोकम्बर से ज़्यादा जो है बेस्ट मुझे कुछ नहीं लग रहा है जो मैं खा सकूँ, तो चले भी इसकी कटिंग वटिंग करके जो है इसको जो है मैं खाती हूँ। खाना बनने में टाइम है और अभी कोई टाइम भी नहीं है कि मैं इसको खाना खा लूँ। यहाँ पर जो है हमारा खीरा जो है कट हो चुका है, इसको जो है इंजॉय करते हैं। हो रहा है काफ्तान निकाला और मम्मा ने कहा है कि काफ्तान में मम्मा को कुछ कमी लग रही है, कुछ उनको अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं इसमें, तो मम्मा कह रही है इसको पूरा जो है पहन के हील के साथ जैसे तुम इसको वेयर करोगी बिल्कुल मुझे इसको वेयर करके दिखाओ,
और फिर वो उसको कुछ करेगी या फिर इसको सामने लगा के रखो ना बटरफ्लाई जाना है वहाँ पर ये बजरी पहन के ले जाएंगे, तो कह रही है इसको पहन के सही से मुझे ये दिखाओ ताकि मैं डिसाइड करूँ कि करना क्या है। और रुबीना इम्तियाज भी कभी कभी हो जाता है, कम्युनिटी जो है वो मिस हो जाती है, नो इशू यार। मैं तो वैसे भी जो है लगाती रहती हूँ पिक्चर, और मेरी मामा भाई हर फन वॉरेंट आप देखो मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह क्राइम पेट्रोल देख देख के तो होता माशाल्लाह। और थैंक यू, आपको मेरी स्माइल अच्छी लगी। हाँ मोटे मोटे चिक है ना, इसलिए स्माइल अच्छी आती है। और मैं गर्मी हो रही थी, मेरे बालों को आज कस के जो पैदा हुआ है। और दूसरी बात है वो ये है कि थैंक यू जो तुम्हें पैटीज अच्छी लगी, थैंक यू तुम ब्लॉग देखती हो, थैंक यू तुम कॉमेंट करती हो, और तुमने जो बचा के कर रखी थी वो मुझे खिलाई नहीं आज, आज कल खिलाऊंगी। और सना श्रेय थैंक यू सो मच, मैंने कम्युनिटी लगाया था कि मैं दुबली होने के बाद दीपिका पादुकोण लगूं या नूरे फाते लग, आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं? नूरे फाते नहीं, मैंने कितना मुझे स्मार्ट है उसके कपड़े उपड़े भी चलिए, आप मुझे कितना स्मार्ट देखना चाहते हैं? नहीं नहीं नूरे फाते मैडक है, थैंक यू सना श्रेय, नूरे फाते मैडक है। अच्छा मैं ये पहन के आती हूं, आप लोगों को दिखाती हूं। यहाँ पे जो है मम्मा आ गई हैं, और सबीका और मम्मा की जो है कन्वर्सेशन यहाँ चल रही है, सबीका को शनि डांट पड़ रही है, यस 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 क्या चल रहा है यार? फ्री में कोरिया जा सक रहे, मैंने ऐसा सुना है स्टूडेंट वीजा पे, मैंने कहा जाने तो कौन सा स्टूडेंट वीजा, ये तो बताओ, स्टूडेंट वीजा की तो कैटेगरी होती है ना, वहाँ कौन सा स्टूडेंट है? पबजी में मास्टर्स, पबजी में क्या करेंगी आप, ऑनर्स करेंगी? ग्रेजुएशन करने के लिए जाना है, जा सकते हैं, वहाँ पे आपको खाना पीना सब देते हैं कोरिया में, खाना देंगे तुम्हें? हाँ और रिहाइश भी देंगे है? हाँ, मेरे सुना है वहाँ चूहा खाते हैं। मैं तुम जाओगी, चलो सूटकेस तैयार करो, तुम कभी एयरपोर्ट छोड़ के आते हो? कहीं नहीं जाने देती ना, लाहौर जाने देती है, फ्री में जाने देती है। हाँ फ्री में जाती है, तुम सूटकेस तैयार करो सुबह से, सुबह से मम्मा का दिमाग इसने ख़राब किया हुआ है, मुझे कोरिया जाना है कोरिया जाना है, पापा का जोर शोर से इंतज़ार हो रहा था कि पापा आएंगे तो उनसे बात की जाएगी, अब ना जैसे ही पापा आए इसकी हवा निकल गई कि अब मैं मम्मा किराया हमें लगेगा, उसके बाद जहाज में ये फ्री में बैठेगी, वहाँ जाएंगी तो इनका एडमिशन फ्री में होगा, इनको जितना खाना पीना दिख जाएगा। ये वहाँ रहेंगी किसके घर? कौन कोरियन रिश्तेदार हमारा निकल के अचानक से आया था, हमें भी तो पता चले ना कौन रिश्तेदार आया है। हद होती है सभी का, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात भी कोई कर सकता है? अरे हटो मम्मा, आप मेरे काफ्तान का छोड़ेंगे तो पागल हो गई है, काफ्तान क्यों निकलवाया आप ही बताओ। हाँ मम्मा ओके, वो कपड़ा जो था ना वो साटन था, ओके गिरा हुआ था, सही थोड़ा मुझे फैला फैला लग रहा है, लेकिन मम्मा मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बैठा बैठा लग रहा है। देखो ये इनकी दोस्त है, हाँ ये नहीं क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ये मैं स्क्रीन शॉट नहीं, मैंने तो नहीं लगाती ऐसी चीज़ें भाई, किसी की बच्ची अच्छी चली गई तो हाँ सब मिल के सबीका के साथ एक ग्रुप बंदी करो फिर जो, हाँ मामा छोड़े इस पागल को आपको बताए, हाँ और सारे मिल के, हाँ यहाँ पे चले छोड़े पागल को आप बताएंगे। चले अभी तो मैं सालन पहले रेडी कर लूँ फिर उसके बाद दिखा, अब इसको और मत मामा और फैला रही है बैठ के उसको, ये उसको और फैला रही है, हाँ कोरिया इसका कैंसिल करा ना मैंने, कोरिया जाएगी कोरिया जाएगी कोरिया कोरिया की तरह, ऑग देखो दिखा दे तुम्हें तो चाइना जाना चाहिए, ये लो अरबी लोग आ गए। घर में आपके घर स्टैंड फैन नहीं है तो आप ब्लैक कलर का स्टैंड फैन ले लीजिए और अपने घर में ऐसे लगा लीजिए, और आपके घर में कुछ नस्यादी लोग रहते हैं जिन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनके पेट की तरफ इसको ऐसे कर दीजिए और फैन को ऑन कर दीजिए, किसी की अम्मा गौर से सुन रही है और अंदर ही अंदर खोल रही है मेरे बेटे के बारे में। लेकिन हबीबी लोग तो दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं है इस पे, हबीबी ओढ़ती है, हम आपको ओढ़ के दिखाते हैं।
आप जाहिर लोग क्या जाने हबीबी कैसे रहती है, हबीबी देखें हबीबी ऐसे रहती है, हबीबी ऐसे रहती है। एक मिनट रुकिए, अभी हम लोग टैग्स लगा रहे थे ताकि हम प्रॉपर हबीबी लगे। ये रही हमारी अम्मा के लिए बेस्टे, फिलहाल अम्मा ही को पकड़ा देते हैं। देखें हबीबी सो मामा क्या डिसाइड हुआ, सही हूँ तो मामा हबीबी रेडी है। चले जी, आप लोगों ने जो है काफ्तान में मेरी ओवर लुक देख ली और मैं कहीं जाने वाली हूँ तो आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट में एक ज़रूर बताना है कि ये काफ्तान कैसा लग रहा है, मैं पहन के जाऊँ कि नहीं, काफ्तान नहीं काफ्तान कैसा लग रहा है, मैं पहन के जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बाकी ये मम्मा को मैं हर तरफ से जो है सही से दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी, मम्मा का दुख सुनाना था। हर घर की एक कहानी है और वो कहानी ये है, मम्मा कह रही उतार काफ्तान चेंज कर गई थे अभी से पहन लोगी। मम्मा क्या आपकी दुखी दास्तान, आज इतना मुँह क्यों आवे मेरे टोले मोले का। मेरी दुखी दास्तान ये कि जब मैं खाना निकालने गई तो दाल खराब थी। हर घर की ये कहानी, मम्मा की दाल खराब है। पाप जी, अभी लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। पापा मैं जनरेटर ऑफ करेंगे, पापा मुझे देखे कह रहे कहीं जा रही हो, कहीं जा रही हो, कहीं जा रही हो, हमको खाना लेके जाना। उनको तो बस यही टेंशन लगी रहती है कोई मेरा खाना ना रुक जाए। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ हबीबी लोगों को देख के कुछ लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए और कुछ फरमाइशें कर रहे हैं। नहीं कोई फरमाइशें नहीं, मैं बोल रही हूँ सिलवा लो। हबीबी आप नजर नहीं आ रही है, थोड़ा ऐसे आइए मेरे पास। नहीं ये ये हाँ आप आ जाए, सही है, सही मेरे पास आज का टाइम है, कल का टाइम है, मैं तुम्हारा आराम से सिलूंगी, सिलवा लो तुम भी। तो क्या बोलती हैं चाहिए मैं ये पहन के फिर पहन जाऊंगा, निकल गया मैं पहन के फिर पहन जाऊंगा, पानी में पैर डाल के ऐसे ऐसे करूंगा, फिर पहन नहीं कोरिया 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 जाऊंगा, इसको लेके जाओ ये जाया हो जाएगी मेरे हाथों, कोरिया जाके पानी में पैर डाल के ऐसे ऐसे करूंगा क्योंकि वहां और तो कुछ है नहीं मेरे पास करने को। यहाँ पे जो है सबिका का काफ्तान सिलने में जो है वो हाथ लग चुका है फटाफट, क्योंकि मम्मा कह रही है टाइम बहुत कम है। मेरा ये वाला है, इस साइज़ का जो है सबिका का सिलेगा। अच्छा जी, सबिका का ये कलर है, वो इस कलर में नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे सबिका की जो है ओवर लुक देख लीजिए और काफ्तान में वो कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। और अब आप आगे बताइए मारिया मम्मा, मैंने हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस तरह से कुछ सर पे करेंगे, ये वाला कलर नहीं होगा, कलर मैचिंग ही होगा ऑफकोर्स, पर अभी मैं डेमो कर रही हूँ तो मैंने कहा कि चलो शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पर कुछ ऐसा लुक करने वाले। मारिया जी जो है आप लोग सोचोगे कि पीछे क्यों है ये चश्मा, क्या बोलते हैं ये बंदा, क्योंकि इन्होंने नाइट ड्रेस पहन ली और मम्मा इनको अलाउ नहीं करती फिर कैमरे में आने तो मैं ही कर रही हूँ। और मेरी जो है यहाँ पे बटरफ्लाई जो है वो बंधा रहती है और नीचे का थोड़ा ये देख लो थोड़ा काम रहता है। तो उठा के तुम पूरा दिखा दो, जरा सी लचक नाम की चीज नहीं है, उठा उठा पूरा उठा के उठा के ये थोड़ा सा मेरा काम रहता है और फिर मेरी हो जाएगा रेडी ड्रेस मेरी और हम लोग ये पैक कहाँ और कब जा रहे हैं वो आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा। और थैंक यू सो मच आप लोग के सारे कमेंट्स के लिए और देखने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए और इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक पे हमें करने फॉलो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लोग अपनी डेली की हर वक्त की सांस भी दे रहे होते हैं तो वो भी अपडेट कर रहे होते हैं और हम जहाँ जाएंगे वहाँ से लाइव उसी वक्त हो जाएगा, तो उसके लिए तो आपको फॉलो करना ही है। उसी वक्त लाइव हो जाएगा, ब्लॉग तो दूसरे दिन आएगा लेकिन हम जहाँ जाएंगे वो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमें दुआओं में याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।